तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो अभी बज रहे हैं सुबह लाइक दोपहर के 3 और आज है सैटरडे। तो जब सैटरडे होता है लाइक आपको जब ये व्लॉग मिलेगा तो ऑलमोस्ट मंडे हो चुका होगा। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारा वीकेंड आता है तो हम लोग ग्रॉसरी कर लेते हैं, लाइक घर की छोटी मोटी जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं वो ले लेते होते हैं। तो ऐसे ही आज भी हम जा रहे हैं और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा जब वीकेंड आता है तो हम उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने घर का लॉक दिखाती हूँ कि मैं इसको ऐसे इस तरह लॉक हो जाता है। सेकेंड ये हमारा होती है कार्ट होती है ये, कि अगर आप लोगों के पास गाड़ी भी है ना तो आप लोगों को ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप अपनी पानी की बॉटल्स और चीज़ें रख के लिफ्ट से ऊपर रख के ला सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो इतने ज़्यादा शो पर आप उठा के ला नहीं सकते। तो अभी हम जा रहे हैं तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हम वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं। तो हम जैसे ही बाहर निकले तो मैंने देखा बाहर किसी घर में आग लगी हुई थी। तो यहाँ पे आग लगती रहती है, लाइक यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ आती रहती हैं आए दिन यहाँ, क्योंकि हर चीज़ लकड़ी की घर है, हर चीज़ लकड़ी की है, तो यहाँ पे आए दिन आग लगी रहती है। तो ये कोई न्यू बात नहीं है। तो और इतनी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये वाली गाड़ी है ना सबसे पहले आ जाती है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे मतलब कोई फ़ोन करता है तो ये फ़ौरन पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये वाली रोड ब्लॉक कर देते हैं और फिर जो भी सिस्टम होता है वह देखते हैं। तो हमारे घर के पास ही सब कुछ है तो हम पैदल चले जाते हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। और ये आप लोगों को लग रहा होगा कि जी धूप निकली है तो बहुत गर्मी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। ये देखें कि जैकेट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखें अब ये रॉड ब्लॉक कर रहे हैं और आई डोंट नो कहाँ पे आग लगी थी, कोई धुआं वगैरह तो नहीं था, लेकिन ये छोटी से छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। साइड लेट्स गो। Again another day, Daddy wants to play. Rain, 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 go away. तो मैं आजकल शेजल के लिए ये वाले ऑटमील लेके जा रही हूँ। उसको ये फ्लेवर्ड हैं तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैं अपनी लेदर ब्रेड लेती हूँ और फैसल की लेदर ब्रेड लेती हूँ क्योंकि वो ब्राउन ब्रेड खाते हैं, मैं रेगुलर ब्रेड खाती हूँ। और पिज़्ज़ा भी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि ये मतलब चीज़ पिज़्ज़ा है तो इसमें कोई भी हराम चीज़ नहीं है। तो पिज़्ज़ा हम ये फ्रोज़न ले लेते हैं यहाँ से और उसको घर जाके खुद बेक कर लेते हैं। और आप लोग यहाँ पे देखें, ये लोग डॉगी भी लेके आ रहे होते हैं अपने, मतलब साथ साथ ही होते हैं इनके सारे डॉग्स। Shazil, Peter Shazil, what are you doing? और यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लेवर्स की आइसक्रीम है कि समझ ही नहीं आती कौन सी लें कौन सी ना लें, लाइक बहुत ज़्यादा वैरायटी है।
के और यहाँ पे हम लोगों की शॉपिंग हो गई थी और फैसल बिल करवा रहे थे और शैजल ने तंग करना शुरू कर दिया था, तो ये पास ही एक झूला था तो मैंने उसको उसके ऊपर बिठा लिया। तो मैंने कहा मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ कि ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा, इवन ये जो चीज़ें हैं ना ये डॉलर ट्री से भी मिल जाती हैं, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे $8 की है, वहाँ डॉलर ट्री में $1 की और यहाँ पे $8 की है। लाइक चीज़ें यहाँ पे सेम होती हैं हर जगह पे हर स्टोर में, लेकिन जो प्राइस है वो बहुत डिफरेंट होती हैं, पता नहीं क्यों, जो जिसका दिल करता है वो उसने प्राइस रखी हुई है। लाइक यहाँ से जो ये मैंने आइसक्रीम ली थी अभी ये $6 or $7 की थी, लेकिन जो हमारे घर के पास शॉप है वहाँ पे सिर्फ एक आइसक्रीम $3 की है और इसमें लाइक 6 to 7 कॉर्नेटोस थी और वहाँ पे एक $3 की मिलती है। पता नहीं क्या यहाँ पे अपना ही सबका हिसाब है। ये देखें कितना प्यारा डॉग है, यहाँ पे हर जगह, जहाँ भी स्कूल में भी डॉग्स आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, डॉग्स हर जगह अलाउ हैं यहाँ पे। तो अब हम घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मुझे एक ना दो अजीब किस्म की औरतें नज़र आईं, लाइक बहुत ही अजीब किस्म के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और उनके बाल भी ऐसे फूले से थे। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि लाइक उनको कुछ नहीं है, जो उनको पसंद है वो सिर्फ वही फैशन करते हैं। आप यकीन करें बच्चों के साथ जाना जलालत है, मेरे कंधे इतने टूट रहे हैं कि आपकी सोचो कि इतना अच्छा मौसम है बाहर, लाइक सनी डे और ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा फैमिली टाइम हो जाएगा तो अपने हस्बैंड को कहा मैं आपके साथ चलती हूँ, अदरवाइज वो अकेले जाते होते हैं। तो इतना इस लड़की ने थकाया है कि मेरे शोल्डर, वो कहती है मैंने रोड पे चलना है क्योंकि उसने नया नया चलना स्टार्ट किया है, और उसको उठा के उसको संभाल के आते आते जलालत हो गई है कसम से, इससे अच्छा बंदा गाड़ी पी जाए, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। उसको आप देखें, उसको अभी भी चैन नहीं है, वो अभी भी उसी मस्ती में है कि मैं चल लूँ। शेजी बेटा, इस लड़की को वॉशरूम में जाने का ही शौक है बस। तो आज वीकेंड था तो आज मैंने कोई भी काम नहीं किया, तो अब रात हो गई है तो मैंने सोचा थोड़ा काम कर लिया जाए, थोड़ी सी सफाई कर ली जाए क्योंकि घर बहुत मेस हो रहा है। अभी अब किचन की हालत देखें कितनी गंदी हो रही है, इतना ज़्यादा मेस हो जाता है, एक दिन भी मतलब मैं काम ना करूँ ना तो ये हाल हो जाता है। तो अब रात हो गई तो मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ, किचन साफ़ करके सोया करें, जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करके रख के सोया करें। तो ये देखें अब किचन साफ़ हो गया है, घर में सुकून हो गया है, शैजल सो गई है, मेरा सारा काम हो गया, अब मैं भी सुकून से सोऊंगी। तो होप करती हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, लाइक मैंने अपना सिर्फ बताया कि वीकेंड पे हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं थोड़ा बहुत, तो जो जो मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं अगर वो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो उनका कुछ नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब करें लाइक करें मस्ट, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने 2 दिन इसलिए छुट्टी की, वो कोई इशू हो गया था जिसकी वजह से मैंने छुट्टी की, वरना मेरे डेली व्लॉग आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट थी। तो इंशाल्लाह मेरे डेली व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे, आप अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।